हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। जैसे ही टीचर्स की वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी होते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट वैकेंसी हो, प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसी हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी, जिसकी सूचना आप लोगों को नहीं मिलती है, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जाता है कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे आप, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, वो सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाती है। और जितने भी भर्ती संबंधी अगर नए विज्ञापन जारी होते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इनकी जानकारी होनी चाहिए, तो वो भी आप लोगों को बताया जाता है। तो चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वैकेंसी सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को समय पर वीडियो बनाकर सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है। कर्मचारी चयन बोर्ड और RPSC की तरफ से 6 अगस्त को 6 भर्ती संबंधी नोटिस जारी किए गए हैं, तो दोनों ही जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है, तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है। इसके अंतर्गत जो है डिटेल में एडवर्टीजमेंट आया है 6 अगस्त 2024 को CET एग्ज़ाम के लिए स्नातक स्तर का जो होगा। अभी जैसे कि CTET का एग्ज़ाम होता है तो आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ठीक है, और दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसमें जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरीके से एक जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके अंतर्गत कई जो है विभाग के अंतर्गत जो भर्ती आती हैं उसमें आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो CET ग्रेजुएट लेवल का ये एग्ज़ाम रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर का पद, और जिसमें जिलेदार, पटवारी, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंतर्गत, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अंतर्गत जो है कनिष्ठ लेखाकार की जो भर्ती आएगी, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत तहसील राजस्व लेखाकार। यानी आप जब ये स्नातक स्तर का समान पात्रता परीक्षा क्लियर कर लेंगे तो ही आप जो है इन भर्ती में जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, CTET का पेपर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो कई जो हैं भर्ती में आप एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे KVS है, NVS है, और भी कई एग्ज़ाम हैं। और जैसे कि कस्तूरबा विद्यालय में कई जिलों में ऐसी वैकेंसी आई जहां पर CTET जो है एलिजिबल है, CTET वाले कैंडिडेट। राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा, ये छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकेंड के लिए, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उप जेलर के लिए, सुपरवाइज़र का पद जो है वो बाल विकास अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत, और महिला सुपरवाइज़र का जो पद, जिसके लिए कई जो है कैंडिडेट कह रहे थे कि जैसे ही वैकेंसी आए बताया जाए, तो सबसे पहले जो है CET एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत जो होगा, और राजस्थान पंचायती राज के अंतर्गत जो है ग्राम विकास अधिकारी का जो पद है, ये भी जो है भर्ती इस एग्ज़ाम के बाद ही जो है आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कनिष्ठ लेखाकार, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इसी से वंचित रह जाते हैं। जब ये सारी वैकेंसी आती हैं तो बिल्कुल मांगा जाता है कि ग्रेजुएट लेवल का अगर आपने CET क्लियर किया हुआ है तो ही आप इनको इन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे में जो है आप ये फॉर्म अप्लाई कर दें, दिशा निर्देश जो है वो आप पढ़ लेंगे। ये जो एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएट लेवल का, वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित किया जाता है, और समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, ठीक है। तो हर साल जो है होता ही है, आपने लास्ट ईयर अगर दिया है, अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो फिर से आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, सबसे पहले OTR ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फीस इसमें क्या रखी जाती है, तो जनरल कैटेगरी की जो है इसमें, और क्रिमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति 400 रुपीज़, और PWED 400 रुपीज़। तो यहाँ पर जो है CET के अंतर्गत विभाग के पदों के नाम
दोबारा वही जो अभी आपको बताए थे। इस एग्ज़ाम के लिए जो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, और किसी भी राज्य के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उम्र सीमा यहाँ पर देखें, उम्र सीमा क्या कही जाती है, तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आयु सीमा में छूट भी जो है रहती है। जैसे कि सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी है तो 5 साल की छूट, एससी एसटी अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो कि राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, 5 साल की छूट है, और महिला जो अगर होंगी तो उनको 10 साल की छूट, ठीक है, जो कि राजस्थान की होंगे। बाकी जनरल कैटेगरी की 40 ईयर बता दी। परीक्षा का आयोजन जो है वो कब होगा, तो 25 सितंबर 2024 से दिनांक 28 सितंबर 2024 तक आयोजित अलग अलग जो है परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, वहाँ करवाया जाएगा। तो एग्ज़ाम को ज़रूर दें, बहुत सारे आगे जो है भर्ती निकलेंगी, तो आप फॉर्म जो है अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपका ये क्लियर होगा। इसका जो है पाठ्यक्रम सिलेबस जो है यहाँ पर दिया है, आपके जो है कुल 300 मार्क्स 150 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का समय होगा। अभी जो इसमें राजस्थान भारत का पूरी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, ठीक है, और कंप्यूटर की नॉलेज, और साथ में करंट अफेयर। नेगेटिव मार्किंग रहती है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये सिलेबस पूरा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ज़रूरी सोचना थी। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, 6 अगस्त 2024 को प्रेस नोट आया है जिसमें कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन जिन डेट को होगा वो डेट डिसाइड कर दी गई है, किस विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी आई थी। संरक्षण अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024, इसका विज्ञापन जैसे ही जारी हुआ था आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया गया था, महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से ये वैकेंसी आई थी। एग्ज़ाम इसका जो है 7 सितंबर 2024 को रहेगा, रविवार के दिन, काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास, क्योंकि ये 2025 नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम रहेगा, तो ऐसे में जो है तैयारी और भी मजबूत करें। एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उप निदेशक प्रतियोगी परीक्षा 2024, ये सूचना और प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की तरफ से 17 अगस्त 2025 को ये एग्ज़ाम की जो डेट है डिसाइड की गई है। भूवैज्ञानिक प्रतियोगी परीक्षा खान एवं भू विज्ञान विभाग के अंतर्गत 31 अगस्त 2025 रविवार को परीक्षा आयोजित होगी। सभी में आप देखें कि आप लोगों को 1 ईयर का टाइम जो है वो बिल्कुल मिल रहा है तैयारी के लिए, ऐसे में जो है सरकारी नौकरी की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एवं कृषि अभियांत्रिकी, ये कार्मिक विभाग है, इसमें 28 सितंबर 2025 को एग्ज़ाम रहेगा। सहायक सांख्यिकी अधिकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत ये परीक्षा करवाई जा रही है, 12-10-2025 को एग्ज़ाम रहेगा।